हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं भी ठीक हूँ और आप सब भी अच्छे होंगे। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि मैं मेरा ऑफ डे कैसे मैनेज करती हूँ और मैं ऑफ डे के दिन क्या क्या करती हूँ, ठीक है? तो पहला जो मैंने चीज़ किया अपना हेयर ऑयलिंग किया। हेयर ऑयलिंग बहुत ज़रूरी होता है हमारे बालों के लिए, जिससे आपके बालों को नमी चाहिए होता है ना, हेयर फॉल का प्रॉब्लम रहता है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम रहता है। तो यू मस्ट कि आप एटलीस्ट वीकली 2 टाइम हेयर ऑयलिंग करें। अगर आप डेली भी नहीं कर सकते हो तो आप एटलीस्ट वीकली 2 दिन भी करते हो, आई थिंक इट्स इनफ। और उसके बाद हेयर ऑयलिंग मैंने कर दिया है, इसके बाद मैं करूँगी अपना रूम क्लीन, लॉन्ड्री, देन उसके बाद थोड़ा सा बाहर जाके सामान, क्योंकि मेरे पास काफ़ी चीज़ें नहीं हैं अभी, और वो भी मुझे थोड़ा सा शॉपिंग करना है। चलो वो बात की बात है, चलो पहले स्टार्ट करते हैं हम रूम डस्टिंग से, ठीक है? मेरा डस्टबिन मुझे क्लीन करना है, दूसरा वाला ऑलरेडी क्लीन हो चुका, तो ये वाला मुझे अभी बाहर फेंकना साथ ही है। मेरा लॉन्ड्री, दो दो लॉन्ड्री पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं जब से घर से आई हूँ तो मैंने तब से लॉन्ड्री ही नहीं किया है। तो आप भी जाके मैं सबसे पहले लॉन्ड्री कर लेती हूँ। और साथ में तो मैं चलिए सबसे पहले लॉन्ड्री को, सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी, दोनों मशीन्स फ्री है तो मैं दोनों में डिवाइड कर लेती हूँ, पानी के ज़्यादा एक मशीन में तो नहीं आएंगे, और उसके साथ ही बंदे को क्लीन भी करना है। ओह माय गॉडनेस, मैं अपने शूज भी इधर ही ले आई, वॉश करने हैं। Let's put it extra. तो मेरा लॉन्ड्री भी हो गया, मेरा डस्टबिन भी हो गया। अब ओह माय गॉड, एक चीज बोला तो मैं भूल ही गई थी, इतने सारे कपड़े रैप करने को बचे हुए हैं, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो सब कुछ मैस करके चले जाते हैं, फिर वापस आके हम भूल जाते हैं कि वापस आगे हमें ही वो सब अरेंज करना है, क्योंकि मम्मी तो आएगी नहीं, एटलीस्ट वो फिर गाली भी देंगे, ठीक भी करेंगे, एक टाइम में गाली भी सुन लेते, बट इतने सारे कपड़े पड़े हुए खिलते हुए, सोच रही हूँ कोई आता तो बस थोड़ी सी अरेंज करके दे देता मुझे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कितने कपड़े अरेंज कर रहे हैं, ठीक है? जो ये सब कपड़े ना, ये सब मुझे फोल्ड करने अकेले, तो मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए, अब थोड़े से बचे हुए हैं और वो इनको अरेंज करने के बाद करती हूँ। कपड़े तो फोल्ड कर दिए, एक गलती उसमें हो गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि शर्ट के साथ उसका जो पेयर रहता है वो साथ रखना था, ये फिर से गलत रख दिए, पर मैं फिर से वापस नहीं निकालूंगी, अब जब दोबारा करूँगी ना तब दोबारा अच्छे से करूँगी। अब हो रहा है फिर दिमाग ख़राब, क्योंकि मुझे एक और कपड़ा भी ढूंढ रही थी तो मेरे को नहीं मिला, कोई बात नहीं।
तो मैंने कपड़े पे ड्रायर में डाल दिए हूँ। अब थोड़ी देर उसको ड्राई होने देती हूँ, खुद धोती हूँ अपने शूज़। शूज़ का ध्यान नहीं था मेरे पास, शूज़ भी धोने गए, उसके बाद रूम क्लीन करने गए। उफ, इतने सारे काम। लाइक देखो गेस क्या, मेरे को दो और सॉक्स मिले हुए, मैंने वॉशिंग में डाले नहीं। अब इन दो को लेकर तो जा नहीं सकती है ना। सोचो मेरे शूज काई से धोया होगा सॉक्स से, क्योंकि मेरे पास ब्रश तो था ही नहीं, क्योंकि मैंने देखा था सॉक्स से ही धुलते हैं। लाइक ये भी धुल जाएंगे और शूज भी धुल गए। तो मेरा शूज भी धुल गया, ऐसे गंदे हो रखे थे नीचे से ना। तो मेरा ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है, इसके बाद थोड़ा बहुत भी शावर लेना और थोड़ा सा रूम क्लीनिंग बचा है, और उसके साथ मुझे सिर्फ नई ड्रेस लेके आना है लॉन्ड्री से, और देन उसके बाद थोड़ा सा बाहर जाना है। बस इतना काम होता है और हम इस तरीके से मैं अपना ऑफ डे मैनेज करती हूँ। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय।